गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बेटू हो गए हैं रेडी। बेटू हाय करो। हाय। बेटू रेडी हो गए हैं और ये इनका बैग है। अब मैं इनको जा रही हूँ छोड़ने। चलो आ बाबू। और सुबह सुबह खिली खिली धूप निकली हुई। बंद करो। चलिए गाइस, मिलते हैं कुछ देर बाद। देखो कबाड़ी वाला, देखो ये पेड़ है। इसमें बरगद, पीपल और पकड़िया तीन पेड़ों का बना हुआ, तीनों की जड़ एक साथ में। इसकी सब लोग करते हैं पूजा, करते जो भी मांगो पूरी होती है। और इधर जा रही थी बस। और ये देखो बाहर का नज़ारा। अभी यहाँ पे बंद है नहीं, सामने हॉस्पिटल है, अभी सब बंद है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। थोड़ी देर हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ पानी बेटे के नहाने के लिए। तो पानी गरम करके मैं दे आई हूँ। और इधर नाश्ता तैयार होगा, नाश्ते में वही दलिया, क्योंकि सुबह सुबह वो दलिया ही खा के जाता है। इधर मैंने सब्जी को काट के रख लिया है, आलू परवर की सब्जी काट ली है, टमाटर काट लिए हैं, लहसुन प्याज मिर्च सब मैंने काट के रख लिया है। और कढ़ाई को इंडक्शन में रख दिए हैं, कढ़ाई हो रही मेरी गरम। और फिर उसके बाद इसमें मैं डालूँगी तेल। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ राई का, शुद्ध राई का तेल है, और इसको मैंने इसमें डाल दिया है गाइस। और तेल गरम होने के लिए थोड़ी देर इसको वेट करेंगे, एक से दो मिनट तक, क्योंकि इसमें तब तक वो गर्म हो जाएगा। फिर उसमें मैं डालूँगी जीरा। और कोई भी सब्जी मैं हरी बनाऊँ, कोई भी सब्जी बनाऊँ तो मैं जीरा ज़रूर ऐड करती हूँ। जीरे की खुशबू मुझे अच्छी भी लगती है। तो देखो तेल हो गया था, जीरा डालते ही वो मतलब चटकने लगा, और यहाँ पे जीरा मेरा चटक गया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं, और साइड में लहसुन है, लहसुन को मैं ऐड कर दूँगी, और मिर्च को साइड में कर दूँगी गाइस। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। अच्छा, मिर्च मैं अभी नहीं डाली हूँ, इसलिए मिर्च नहीं अभी डाली हूँ, क्योंकि मिर्च की जब झाड़ होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो करता, तो सुबह सुबह जैसे बच्चे सो रहे होते, अब बच्चे में जैसे बेटी सोने लगती तो कहती मम्मी, मतलब गले में खसखसाहट जैसी खांसी वगैरह आने लगती, इसके लिए मिर्च को मैं बाद में ऐड करूँगी। और बच्चा उस साइड में, बच्चा मेरा ब्रश कर रहा था, उसको नहाने के लिए मैं पानी वगैरह तो दे के ही आई। मैंने कहा आज अपने आप से तुम खुद नहाओ। तो बेटा मेरा उधर नहा रहा है, और इधर मैं फ्राई कर रही हूँ प्याज लहसुन, ये सब फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और गाइस आप लोग आलू परवर की सब्ज़ी खाते हैं कि नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है मिर्च, और साथ में मैंने जो दो टमाटर काट के रखे थे उनको भी मैंने ऐड कर दिया है। और इसी तरह फिर फ्राई करते रहेंगे, और क्योंकि टमाटर डाल दें टमाटर भी लूज हो जाएंगे। फिर उसके बाद गाइस इसी में मैं ऐड करूँगी हल्दी, क्योंकि अभी मैंने डाली नहीं थी। हल्दी भी तेल में पक जाएगी, इसमें मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा मसाला खा के भी बोर हो जाते, तो इसके लिए मसाला ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, बस इतना ही मसाला रहेगा। और फिर उसके बाद टमाटर को लूज करने के लिए, मतलब उसको मैं चलाती रहती हूँ, फ्राई करती रहती हूँ। फिर उसके बाद इसमें डालूँगी नमक, और नमक भी इसी में डाल दूँगी। और सब्ज़ी को मैंने पहले ही धुल के रख लिया है सब्ज़ी को, और फिर उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है नमक, और नमक को ऐसे मिक्स कर दूंगी। तो गाइज़ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुंचे। और गाइज़ फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा धीमे कर दी हूँ, और क्योंकि सब्ज़ी को मैंने पहले ही धुल लिया था, तो सब्ज़ी में जो दूसरा पानी मैंने डाला हुआ था, क्योंकि दो
पानी से सब्जी धुलते हैं, तो जो दूसरा पानी था उसको मैं चेंज करने गई, यानी उसका पानी जो है उसको नहाने गई थी वॉशिंग में, उस पानी को मैंने पूरा नहा दिया। फिर उसके बाद इसमें डालने लगी हूँ सब्जी। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम रहते हैं और इतनी जल्दी रात, पता नहीं लगता कितनी जल्दी रात हो गई। और इस टाइम पे बज रहे हैं रात के 11 बजने वाले, 11 बजने में 5 मिनट बाकी हैं तब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसका नाम मधुलिका यूपी ब्लॉगर है, प्लीज़ आप लोग जाइएगा उस चैनल को भी सपोर्ट करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वहाँ भी ज़रूरत है। और गाइस मैं कोशिश यही करती हूँ कि दिन में लाइव आऊँ, 1 और 2 के बीच में मैं लाइव आती हूँ दोपहर में। तो प्लीज़ आप लोग आइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो, क्योंकि वॉच टाइम मेरा बहुत कम है, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा। जब तक आप लोग अपना सहयोग नहीं करेंगे तब तक वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। और गाइस देखो मैंने सब्जी को पूरी फ्राई कर दी है और देखने में लाजवाब लग रही, और इसमें लगभग 1 स्पून से लेके मतलब 2 स्पून तक मैंने इसमें पानी हल्का सा ऐड किया है, क्योंकि आलू है और परवल है अच्छे से पक जाएंगे। इसको अब कवर करके रख देंगे और ये साइड में कर देंगे और इधर पकता रहेगा। और इस साइड में लगाने लगी हूँ आटा, और आटे को पहले ही मैंने छान लिया था, छान के रख लिया, फिर इधर आटा मारने लगी हूँ। तो प्लीज़ गाइज आप लोग जाइएगा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा वहाँ वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा, ऐसे मुझे लग रहा था जैसे मैंने YT स्टूडियो पर देखा तो मुझे वॉच टाइम बहुत ज़्यादा दिख रहा था, और जब मैं क्रोम में जाके देखी हूँ तो वॉच टाइम मेरा कम था। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी LB में आइएगा ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो। जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा सुबह सुबह जल्दी जगने का मन नहीं रहता, मगर क्या करें जगना पड़ता है। अच्छा आटे को लगाने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो रिस्ट मूवमेंट हो जाती है, यानी जो कलाई की हमारी एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है, कलाई से लेके शोल्डर तक का मतलब पूरा ये जितना जुड़ा रहता है उसके एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है, और जैसे उंगलियां वगैरह जो दुखती हैं वो भी नहीं दुखती क्योंकि सुबह सुबह सारे एक्सरसाइज हो जाते हैं। तो गाइस मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा मेरा आटा लग गया है तो आटे को मैं ऊपर रख देती हूँ कुछ देर बाद। फिर हाय गाइस गुड मॉर्निंग, और बन रही गर्मा गर्म चाय आज पीने के लिए। देखो गर्मा गर्म चाय बन रही, खोल रही अदरक और साथ में तुलसी की पत्ती वगैरह डाल के अच्छे से चाय बनाई। तो चाय पीते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस इस समय शाम का समय हो रहा है और हम लोग बैठे हैं, बिट्टू अपना सारा खिलौना देखो कैसे फैला के रखी है, क्योंकि अभी अभी आए हैं स्विमिंग पूल से यानी स्केटिंग सेंटर से, वहाँ आज मोबाइल नहीं लेके गए थे। और बिट्टू की मस्ती देखो कितनी ज़्यादा, बिट्टू बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, ये देखो ये बिट्टू की मस्ती चलती रहती है। तो गाइज आप लोगों के बच्चे ऐसे परेशान करते हैं कि नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। और गाइज आज का वीडियो यहीं करते हैं बंद, और कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का रखें। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। तो गाइस चलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ मैं किसी अपने अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ पानी ज़्यादा पीजिएगा, चेहरे पे चमक आएगी, ताजगी आएगी, और गुस्सा मत हुआ कीजिए, आप लोग खुश रहिए, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ज़्यादा चेहरे पे चमक आएगी, प्यार आएगा और अच्छा लगेगा। और बिट्टू की देखो मस्ती तो ऐसे ही होती रहती है। चलो बाय बोलो, और इनके सर का कर रहे हैं वेट, और इस टाइम बज रहे हैं शाम के 6:30 हो रहे हैं। अभी मुझे दीपक जलाना है, दिया बत्ती कर लेंगे, दिया बत्ती करने के बाद फिर हम लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या, मैं एक सबसे बड़ी खास बात बताती हूँ।
सुबह का खाना तो हम लोगों का मतलब बन जाता क्या बनना, शाम को सोच में पड़ जाते हैं क्या बनाएं, खाना क्या बनाएं क्या बनाएं, सबकी यही प्रॉब्लम रहती है आज खाने में क्या बनाएं। तो बस वही है, आज देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं, तो चलते हैं गाइस। और हाँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम उसको बना रही हूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी, अगर उसका वीडियो आ गया होगा तो फिर नहीं शेयर करूँगी, फिर रोज रोज अच्छा नहीं लगता वही चीज़ शेयर करना। तो बाय, गुड बाय, और एडवांस में बोल रहे हैं गुड नाइट।